अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाक विड्स फॉर यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लुकमान। सबसे पहले तमाम देखने वालों को पाक विड्स फॉर यू की जानब से जश्न आज़ादी मुबारक। नाजरीन, 14 अगस्त को हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किसी न किसी तरह ज़रूर करता है और हम इस दिन को जोश व जज्बे के साथ बचपन ही से मनाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ। आज़ादी की ये तारीख कब से शुरू होती है, क्यों ज़रूरत पेश आई कि हमें ना सिर्फ अंग्रेज़ों से बल्कि हिंदुओं से भी अलग होना है और तहरीक आज़ादी में कैसी दुश्वारियों का सामना रहा, हम आपको वो सब तारीखी हकायक दिखाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि तहरीक पाकिस्तान के हवाले से हमारी ये उर्दू डॉक्यूमेंट्री आपको ज़रूर पसंद आएगी। हर पाकिस्तानी को जश्न मनाने के साथ तारीखी पस मंज़र का जायज़ा भी ज़रूर लेना चाहिए, इसलिए ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए अहम है। इसे मुकम्मल देखिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल पाक विड्स फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल की नई वीडियोस भी आप देख सकें। नाजरीन, क्याम पाकिस्तान के सिलसिले में मुख्तलिफ अकाबरीन अपनी अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान की बुनियाद तो उसी वक़्त पड़ गई थी जब पहला मुसलमान हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। कुछ इसको मोहम्मद बिन कासिम के सिंध में आमद से मुंसलिक करते हैं। मलका एलिजबेथ की सन 1583 में पहले तजारती जहाज़ टाइगर की हिंदुस्तान रवानगी, सन 1614 में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुंबई में पहले दफ्तर का क़याम, 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात और बहादुर शाह जफ़र के ताज व तख़्त संभालने को भी तहरीक पाकिस्तान की जानब पहला कदम कहा जाता है। अक्सरियत सन 1757 सराजुद्दौला की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग और मीर जाफ़र की गद्दारी को तहरीक पाकिस्तान का नुक्ता आगाज़ मानते हैं। नाज़रीन कराम, यूँ तो हर मज़हब इंसानियत का दरस देता है लेकिन मज़हब इस्लाम ख़ास तौर पर बराबरी, मसावात, इखलाकियात, इंसानी हकूक, हलाल और हराम, झूठ और सच, जुल्म के खिलाफ मजलूम के साथ देने पर बाकायदा अमल करने का हुक्म देता है और इन नुकात में से अगर कोई किसी एक पर भी अमल नहीं करता तो उसे मुकम्मल मुसलमान ही नहीं कहा जाता। ऐसी ही वजूहात तारीख में देखने को मिलती हैं कि जिनमें मुसलमानों से हकूमती इख्तलाफात और मुसलमानों को तहफ़ुज़ात ना मिलने पर मुख्तलफ इख्तलाफी तहरीकें चलाई गईं। आइए अब आपको चंद तारीखी तनाज़ियात और इख्तलाफात पर मबनी एक तारीखी रिपोर्ट दिखाते हैं। नाज़रीन इकराम, सन 1857 में मेरठ की फौजी छावनी में एक नई किस्म के कारतूस फराहम किए गए जिनको इस्तेमाल से पहले दांतों की मदद से इस पर चढ़ी चर्बी एक तह को छीनना पड़ता था। छावनी में खबर यह गर्म हो गई कि यह तह गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई है। इस खबर से छावनी में मौजूद हिंदू और मुसलमान सिपाहियों में इतनी बेचैनी फैली कि उन्होंने छावनी में मौजूद अंग्रेज अफसरान को कत्ल करके बगावत शुरू कर दी, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय ज़िबा करना और उसका गोश्त खाना बुरा समझा जाता है और मुसलमानों के लिए सूअर का गोश्त मजहब में हराम है। चुनाचा यहाँ से इख्तलाफ के बाद बगावत तक बात पहुँच गई और इस बगावत को आखिरी मुगल फरमारवा बहादुर शाह जफर की अशीराबाद भी हासिल हो गई। अंग्रेज फौज ने पूरी कुव्वत से इस बदमनी को कुचल दिया और बहादुर शाह जफर को पहले तो लाल किला दिल्ली में मैसूर किया और उसके बाद जिला वतन करके भेज दिया गया। आखिरी मुगल फरमारवा बहादुर शाह जफर की जिला वतनी के बाद अंग्रेज हुकूमत का बाकायदा आगाज हुआ। सन 1857 की बदअमनी को ख़त्म करने के साथ ही हिंदुस्तान में बाकायदा कानून के तहत अंग्रेजी हुकूमत की अमलदारी का आगाज हुआ। इससे पहले हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की अमलदारी थी, बरतानवी हुकूमत की नहीं। सन 1858 में सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तान में मुसलमानों की शिकस्त और पसमानदगी को तजियाती नज़र से देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की बदहाली की बड़ी वजह अंग्रेजी ज़बान और इलम से दूरी है। उन्होंने इसके लिए तहरीक अलीगढ़ का आगाज किया। सन 1861 में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में बाकायदा अमलदारी और हकूमती मामलात की खातर इंडियन कौंसिल एक्ट नाफिज किया। इस एक्ट के तहत तमाम हकूमती कौंसलों में अहम जिम्मेदारियां गवर्नर जनरल की नामजदगी से मुकम्मल होती। कानून साजी के मुकम्मल इख्तियार गवर्नर जनरल के पास थे और कौंसल के अरकान की अहमियत कुछ भी ना थी।
सन 1867 बनारस में हिंदुओं ने लसानी तहरीक शुरू की, जिसके तहत उन्होंने मुतालबा किया कि उर्दू की जगह हिंदी को अदालती और सरकारी जबान करार दिया जाए। मजीद ये कि अरबी की जगह देवनागरी रसम अल खत को राइज किया जाए। इस तहरीक ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान वो खलीज हायर कर दी, जिस बुनियाद पर सर सैयद जैसा रहनमा, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, वो भी हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद की बजाय दोनों को अलग अलग कौम कहने पर मजबूर हो गए। उनकी इसी सोच को दो कौमी नज़रिया की बुनियाद भी कहा जाता है। सन 1884 में मुसलमाना ने हिंद में तालीमी शोर पैदा करने के लिए अंजमन हयातल इस्लाम लाहौर का क़याम भी अमल में आया। सन 1885 में हिंदुस्तान में बरतानवी राज के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद के लिए एक इजलास मुनक़द किया गया, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम अमल में आया। डब्ल्यू चंद्रा बैंस जी को कांग्रेस का पहला सदर मुंतखब किया गया। नाज़रीन, जहां पर एक और मालूमात भी आपसे शेयर करते चलें कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस का हिस्सा रहे और काफ़ी अरसा तक वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातों के बयक वक्त रुकन भी रहे। बरतानवी हकूमत ने एक और इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 नाफज करने का ऐलान किया। इसमें अहले हिंद को महज ये रायत दी गई कि पहले जो कौंसिल अकलियतन नामजदगी की बुनियाद पर बनती थी, अब उसमें 40% अरकान बजरिया इंतखाब शामिल होने थे, लेकिन उम्मीदवारों के लिए जो शरायत और इस सिलसिले में गवर्नर जनरल को जो इख्तियारात दिए गए थे, उसकी वजह से अहले हिंद मुतमिन नहीं थे और खसूसन मुसलमान बिल्कुल मुतमन नहीं थे, क्योंकि इसमें तय करदा मखलूत तर्ज इंतखाब में मुसलमानों की नुमाइंदगी का अमकान बिल्कुल नहीं था। सन 1905 20वीं सदी की इब्तदा में बंगाल तकरीबन 8.5 करोड़ की आबादी का सूबा था और इसका इंतजाम चलाना मुश्किल था, लिहाजा लॉर्ड कर्जन के मंसूबे के तहत इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। मशरकी बंगाल में चौका मुसलमानों की अक्सरियत थी, इसलिए वहां मुसलमानों को हुकूमत साजी का मौका मयसर आया, और मगरबी बंगाल में हिंदू अक्सरियत के बायस हिंदुओं की हुकूमत कायम हुई। बाद अज़ां हिंदुओं ने इस तकसीम को अना का मसला बना लिया और काफ़ी हंगामा आराई हुई, हत्ता के हिंदुओं ने इसके खिलाफ स्वदेशी तहरीक चलाई और बरतानवी अशिया का बाइकाट भी किया। काफ़ी कश्तो खून के बाद 1911 में बरतानवी बादशाह जॉर्ज पंजम ने इस तकसीम की तनसीख का ऐलान करते हुए दोबारा बंगाल को मुतहद सूबा बनाने का ऐलान किया। इस ऐलान के बायस मुसलमान हुकूमत बरतानिया से मजीद मुतनफर हो गए। सन 1906 में तकसीम बंगाल पर हिंदुओं के रद्द अमल के बायस मुसलमानों में बेचैनी इंतहा पर पहुंच गई। इस मौका पर मुसलमानों ने बाहमी मशवरे के बाद सर आगा खान की सरबराही में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की। इस मुलाकात को तारीख में शिमला वफद के नाम से याद किया जाता है। मुसलमानों की ये मुलाकात बज़ाहर कामयाब रही और लॉर्ड मिंटो ने मुसलमान अमायदीन को भरपूर तआवुन के साथ मुसलमानों के मुतालबात पर हमदर्दाना गौर का यकीन दिलाया। शिमला वफद की कामयाबी ने मुसलमानों के हौसले बुलंद किए और इस वफद के महज 3 माह बाद ही दिसंबर 1906 में बंगाल के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब वकार अल मलक की सरबराही में ढाका में एक इजलास मुनक़द किया गया और इसमें मुसलमानों की एक अलग सियासी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम का ऐलान किया। सर आगा खान सोम इस नई जमात के पहले सरबरा मुकर्रर हुए। आगे चलकर यही जमात हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहद नुमाइंदा जमात की हैसियत इख्तियार कर गई। नज़रीन इकराम, तकसीम बंगाल की वजह से अंग्रेज़ों और हिंदुओं में दुश्मनी काफ़ी बढ़ गई थी। अंग्रेज़ी अहदेदारों पर हमले मामूल बन चुके थे। ऐसे माहौल में लॉर्ड मिंटो से मुस्लिम वफद की शिमला वफद की मुलाकात ने मुसलमानों के लिए सुनहरी मौका फराहम किया और सन 1909 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो और वजीर हिंद मार्ले ने मुश्तरका तौर पर इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 पेश किया, जिसको तारीख में मिंटो मार्ले इस्लाहात के नाम से याद किया जाता है। इन इस्लाहात में मुसलमानों के कई मुतालबात को तस्लीम करते हुए कानून का दर्जा दिया गया, जिसमें कौंसिल में मुसलमानों की नुमाइंदगी में इजाफे के अलावा मुसलमानों के जुदागाना तर्ज इंतखाब जैसे अहम मुतालबे की मंजूरी शामिल थी।
कायदे आजम ने अपने सियासी सफर का आगाज सन 1906 में कांग्रेस में शमूलियत से शुरू किया। उसके बाद वो सन 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और काफ़ी अरसे तक वो इन दोनों जमातों के बयक वक्त रुकन रहे। इसी हैसियत में उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सिलसिले में मुआहदा लखनऊ जैसी अहम पेशरफ में अपना भरपूर किरदार भी अदा किया। बाद में कांग्रेस से इख्तलाफात के बायस उन्होंने 1920 में कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली और सिर्फ मुस्लिम लीग तक महदूद हो गए।